हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो बचे हुए दो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और उसका यूज़ देखेंगे कि ठीक है कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कोई वैल्यू है, मान लो आपके पास एक नंबर है, लेट सपोज नंबर है 7। ठीक है, तो आप उसमें अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद जो नंबर 7 है वो एक से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एक नंबर से इंक्रीज कर जाएगा, वो 7 है, अब उसकी जो वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी। सिमिलरली उसी 7 को अगर हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होगी एक से माइनस हो जाएगी। ठीक, तो उसकी वैल्यू 7 की वैल्यू अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो 6 हो जाएगी। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, और उस पर वर्क करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, बेसिकली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में जान लिया है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट जैसे ए एक नंबर ले लिया, ए इक्वल टू 3 है, ठीक है, या ए इक्वल टू 7 ले लिया। ठीक है, जब हम लोग ए प्लस प्लस लिखेंगे, ठीक है, तो इसके बाद जो ए की वैल्यू होगी, ठीक है, इसके बाद जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, वो हम लोगों की 8 हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम लोग ए की वैल्यू को अगर माइनस माइनस कर देते हैं, अगर जब ए 7 था यहाँ पर कर देते हैं, तब ए की वैल्यू जो होगी वो हम लोगों की 6 हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सा प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम बना के देखते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक्स अपने जो इसका सिंटैक्स उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई एक नंबर को लेट कर लेंगे। ठीक है, कोई एक वेरिएबल मैंने मान लिया सपोज ए, और उसको मैंने मान लो वो आपको मैं आपसे इनपुट कराऊंगा। ठीक है, स्कैन एफ की मदद से। ठीक है, तो प्रिंट एफ, ठीक है, एक नंबर को मैंने आपकी मदद से, इस कीबोर्ड की मदद से एंटर करा दिया, कराने के लिए ये स्कैन एफ का यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, स्कैन एफ परसेंटेज जी कॉमा एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, अब आप इससे फैमिलियर हो गए हैं, जब कोई वेरिएबल मतलब कोई भी वेरिएबल को इनपुट में चाहिए होगा कीबोर्ड से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्कैन एफ यूज़ करेंगे। ठीक, और जितने भी वेरिएबल मतलब जितने भी वेरिएबल को इनपुट में एक साथ लेना है, वहाँ पर इतनी बार परसेंटेज डी का यूज़ कर दिए और एट अ टाइम एड्रेस ऑफ ए या एम परसेंट ऑफ ए कॉमा एम परसेंट ऑफ बी, इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, ए की वैल्यू एंटर करा दी है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, ए को इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ए को क्या है, हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए को इंक्रीमेंट कर दिया, अब आप क्या करें, ए की वैल्यू को प्रिंट करा लें। ठीक है, ए की वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं इसमें आंसर क्या आता है। ठीक है, परसेंटेज डी, ठीक है, ए की जो वैल्यू आएगी परसेंटेज कॉमा ए। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग प्रोग्राम मैंने क्या किया, एक इंटीजर ले लिया है। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, एक इंटीजर को मतलब स्क्रीन पे क्या करा है कि एंटर एक नंबर, आपसे मैंने कहा एक नंबर को एंटर करो कीबोर्ड से। ठीक है, उसके लिए मैंने स्कैन एफ कर लिया यू। ठीक है, वो नंबर मेरे को मिल गया, उसके बाद मैंने क्या उसको नंबर को इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो उस नंबर को इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो अब उस नंबर को इंक्रीमेंट किया, उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को ओपन करा के देखिएगा क्या आता है रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने सपोज किया लेट एंटर नंबर, ठीक है, तो मैंने 7 ही एंटर किया। ठीक, आप देख रहे हैं इसकी इंक्रीमेंट होकर वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो गई है। ठीक है, एक से। वहीं अगर वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ नहीं देखते हैं इसी में, ठीक है, तो अगर मान लो, ठीक है, तो यहीं पर ए प्लस प्लस की जगह मैं क्या करता, ए माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लेता। ठीक है, तो ये जो है डिक्रीमेंट अगर ऑपरेटर यूज़ कर लेता तो यहाँ पर इसका क्या रिजल्ट आता, इसको भी रन करा के देखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मैंने एंटर में क्या लिया, 7 ले लिया। ठीक है, तो डिक्रीमेंट होकर वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है वो एक से कम हो गई है। ठीक है, एक की जो वैल्यू है वो एक से कम हो गई है। ठीक है, तो ये जो है डिक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम आप आगे पढ़ेंगे, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काफ़ी यूज़ होता है प्रोग्राम को, मतलब अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, इन पर प्रैक्टिस करिएगा प्रोग्राम में, और अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।